नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज डीपी क्रॉस चिक्स का सातवां दिन है। स्क्रीन पर आप लाइव देख रहे हैं डीपी क्रॉस के चिक्स कितने तंदुरुस्त हैं, कितने हेल्थी हैं व कितने अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं। अगर मोर्टिलिटी रेट की बात करी जाए तो डीपी क्रॉस चिक्स में 7 दिन में 200 बच्चों में सिर्फ एक मोर्टिलिटी हुई है। किसान मित्रों, यदि मोर्टिलिटी का रेशो कम रहेगा तो आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय में प्रॉफिट अधिक रहेगा। अगर मोर्टिलिटी का रेशो अधिक रहेगा तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं होगा। जो ग्रामीण कृषक हैं, जो नौजवान साथी हैं मेरे, वे इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी बच्चे फार्म में लेके आएँ तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करें ताकि कम से कम मोर्टिलिटी हो और आपको नुकसान कम हो। आज मैं डीपी क्रॉस के चिक्स में फर्स्ट वैक्सीन लसोटा का बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं थर्मस, इसमें वैक्सीन है। कभी भी आप दुकान में जाएं तो हमेशा थर्मस साथ लेके जाएं, क्योंकि थर्मस में वैक्सीन लाने से वैक्सीन सुरक्षित तरीके से फार्म में आता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में वैक्सीन ख़राब हो जाती है। और वैक्सीन करने से पहले आप उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालें ताकि वैक्सीन बर्फ़ के टुकड़े में संपर्क में रहे और ठंडी रहे, जिससे कि वैक्सीन ख़राब ना हो। वैक्सीन के साथ एक लिक्विड वाटर भी मिलता है, उसको भी पहले से फ्रिज में रख दें ताकि वो भी अच्छे से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव जो लसोटा का है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। जो वैक्सीन है इसको एफ स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जो लिक्विड वाटर है उसको पाउडर वाटर में डाल देना है। पानी जो है उसको हल्के हाथ से हिलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना है, क्योंकि इसके अंदर लाइव वायरस रहता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो लाइव वायरस को क्षति पहुँच सकती है। आप देख सकते हैं कि मैंने बर्फ़ डाला हुआ है, इसको हल्के हाथ से मोल्ड कर देना है ताकि ये आसानी से उसमें पानी मिल जाए। फिर एक बड़े बर्तन में, एक बाल्टी में मैंने इसको डाल दिया है। फिर डिंकर में लगा के 200 बच्चों में मैंने 2 डिंकर लगाए हुए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव डिंकर में कितनी तेज़ी से बच्चे पानी पी रहे हैं। कृषक मित्रों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप वैक्सीन करें तो कम से कम 3 घंटे पहले जो ड्रिंकर के जो बर्तन हैं, पानी के बर्तन हैं, उनको हटा दें। बर्तन हटाने का कारण यह है, अगर पहले से बर्तन ड्रिंकर के रखे रहें और अपन फिर वैक्सीन वाला पानी रखेंगे तो बच्चे पानी नहीं पीएंगे। मैंने बर्तन पहले से हटा दिया था, इसीलिए आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि बच्चे कितनी तेज़ी से वैक्सीनेटेड पानी पी रहे हैं। और इनमें जैसे कि एक प्रतियोगिता सी लग गई है पानी पीने की। आप देख सकते हैं कि झुंड के झुंड में बच्चे पानी पी रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा पानी नहीं पिएगा वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि 3 घंटे पहले बर्तन हटा लें ताकि संपूर्ण जो बच्चे हैं, जो चिक्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से पानी पी लें और वैक्सीनेटेड हो जाएं। क्योंकि 10 से 15 मिनट तक वैक्सीन का असर रहता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में वैक्सीन का असर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैक्सीन करने के लिए एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखें, वैक्सीन सुबह यानी कि मॉर्निंग के समय या फिर शाम के समय करें। दोपहर के समय वैक्सीन न करें, क्योंकि दोपहर के समय टेम्परेचर अधिक रहता है, इसीलिए वैक्सीन का विशेष रूप से ध्यान रखें सुबह के समय या फिर शाम के समय करें। इस मौसम में क्या टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल रहता है, उस समय सुबह के समय भी ठंड रहता है और शाम के समय भी। आप स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बच्चे वैक्सीन भरा पानी पी रहे हैं। और इस तरफ से कुछ बच्चों को मैंने पुश भी किया है, क्योंकि कुछ बच्चे बैठे हुए थे, इसलिए हल्का सा इस तरफ से पुश भी कर देना कि जो बच्चे बैठे हुए हैं वह बच्चे भी वैक्सीन वाला पानी काफ़ी तेज़ी से पी जाएं। और मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण बच्चे जो वैक्सीनेटेड पानी है पी लें। एक तरफ से जो बच्चे स्वस्थ बैठे हैं उनको भी आप इस तरफ से पुश कर दें ताकि वो भी बच्चे पानी पी जाएं। वीर कृषक भाई, आरके ब्रीडर द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।